हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में जानेंगे जो आदिवासी तेल है जो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से, एक डेढ़ महीना से हो गया, दो महीना हो गया। एक एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कैसा है और कितना इफ़ेक्टिव है ये, कितना तेल काम करता है। मैंने ये तेल ऑनलाइन मंगाया था। मैं ये तेल यूज कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और एक एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने तीन वीडियो इसके ऊपर बनाया है और ये पार्ट फोर है उसका। मैं इसका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जो तीन वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे जो बाल थे वो छोटे थे, तेल जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि बाल छोटे थे। तो मैं जब शैम्पू कर रहा था तो बाल जो है वो मेरे हाथों में नहीं आ रहे थे, और मतलब नहीं टूट रहे थे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को कि टूट रहा है गिर रहा है। मुझे लग रहा था कि बाल छोटे हैं शायद इसके लिए नहीं गिर रहे हैं, और या फिर तेल काम कर रहा है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मेरा बाल बड़ा होगा वैसे वैसे मेरे को मालूम पड़ेगा इसके बारे में, और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा। सोचा कि एक वीडियो और बनाता हूँ पार्ट फोर इसका, और ये बताता हूँ कि जो दो बोतल मंगाए थे मैंने उसमें से एक तो पहले ही ख़त्म हो गए थे और दूसरा वाला जो है इसमें भी आधा ख़त्म हो गया है और सिर्फ इतना ही बचा है, आधा बचा है। तो इसको भी ख़त्म ही करूँगा, मैं पूरा ख़त्म करके ही मैं बताऊँगा कि आपको फाइनल रिजल्ट क्या है। फिलहाल मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मेरा इस आदिवासी तेल के साथ, जो कि दावा करती है कि आपके जो बाल हैं वो रीग्रोथ हो जाएंगे, आपके बाल कि जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ दावा करती है इसके जो ऐड आते हैं। मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि हाँ मुझे अभी तक क्या इसका रिजल्ट मिला। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जो इसका रिजल्ट है मुझे अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है, क्योंकि जो मेरे बाल हैं थोड़े बड़े हो गए हैं। तो जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है, आप शैम्पू करोगे तो मालूम पड़ेगा बाल आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो थोड़े बाल बड़े हो गए, आपको दिखा दूँ मैं अपना बाल कि मेरा बाल जो है कितना बड़ा हुआ है अभी तक। ये है मेरा बाल अभी तक इतना बड़ा हुआ है, और पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने काफ़ी छोटे थे, तो मैंने बोला था थोड़े बाल बड़े हो जाएंगे और ये जो बोतल है आधा बोतल एक जो बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो बाल बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा मालूम पड़ेगा हमको, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे जो बाल है थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ क्या काम किया है, कितना काम किया है नहीं किया है। और मेरे बाल काफ़ी सारे वाइट भी हैं, पहले से वाइट हो गए हैं, तो उसके बारे में भी काफ़ी टेंशन है हमको। मैंने बोला था कि थोड़े बाल जो बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बताऊँगा इसका जो रिजल्ट है कितना इफ़ेक्टिव है। रिजल्ट तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊँगा फाइनल रिजल्ट इसका, जब ये थोड़े तेल बचे हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो फिलहाल ये ख़त्म नहीं हुआ है, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट बताऊंगा कि हाँ कितना काम किया है, कितना परसेंट काम किया है। तो मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है इस तेल का, और अब मैं जो नहा रहा हूँ और शैम्पू कर रहा हूँ, तो मेरे हाथों में जो बाल हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या टूट रहे हैं, या हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब जो मैं शैम्पू करता हूँ तो मेरे हाथ में बाल तो उतना नहीं आता है जितना पहले आते थे, क्योंकि अभी भी उतना बड़ा नहीं है, कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो आते हैं एक दो तो आते ही हैं और नॉर्मल है, सबका आता है, तो एक दो तो बाल आ ही जाते हैं। बट जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मेरे जो हाथ में बाल है बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ टाइम बाल बिल्कुल भी छोटे थे और अभी थोड़े बड़े हैं, तो एक दो हाथ में आ रहे हैं बाल शैम्पू करने के टाइम मुझे दिख रहा है। तो ये तो पहले भी गिरता था इतना बाल, बट मेरे जो बालों की समस्या थी उसमें थी मेजर जो इशू था वो था डैंड्रफ का। तो डैंड्रफ किस हद तक ये तेल निकाल पाया है या नहीं, वो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तेल से मेरे जो डैंड्रफ है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। मतलब 10-15% ख़त्म हुआ है, बट ऐसा नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है या फिर अब पहले से बहुत हद तक कंट्रोल है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ हद तक कम हुआ है। बट जो गिरने की बाल जो गिरने की समस्या थी कि बाल आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसका क्या इशू, तो मेरे जो बाल गिर रहे थे हेयर फॉल हो रहे थे वो तो कुछ खास नहीं हेयर फॉल हो रहा है अभी, क्योंकि छोटे बाल हैं,
बड़े होंगे तो वैसा ही गिर रहा है पहले जैसे गिर रहा था या अभी कुछ कम हुआ है वो मालूम पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक बाल जो है मेरे थोड़े और बड़े हो जाएंगे और ये जो बचा हुआ तेल है ये भी खत्म हो जाएगा। तो अभी जो मैं शैम्पू करता हूँ तो एक दो बाल आते हैं हाथ में, और जो डैंड्रफ की समस्या थी वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, 10% खत्म हुआ है बस, उससे ज़्यादा खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले जैसा ही डैंड्रफ है, थोड़ा खत्म हुआ है, मतलब अगर तेल है इसके ऊपर काम किया गया है, इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही, तो उस हिसाब से तो काम किया है, मतलब 10-15% काम किया है। बट ये नहीं बोल सकता मैं बिल्कुल भी काम नहीं किया, और ये नहीं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ही काम कर गया, 10-15% काम किया हूँ ये मैं जरूर बोल सकता हूँ। बट ये पूरा खत्म होगा, उसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके अभी तक कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसा मेरा जो बाल है पहले से कितना ग्रो किया है, कितना उसमें सुधार आया है वो मैं बताऊंगा ये तेल ख़त्म होने के बाद जो आधा बचा हुआ है। सो दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरे जो हेयर फॉल की समस्या थी वो 10-15% तक कंट्रोल हुआ है, और डैंड्रफ जो है वो डैंड्रफ बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, 10-15% ही ख़त्म हुआ है। सो ये इतना ही काम किया है फिलहाल अभी तक, और ये पूरा ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये पूरा ख़त्म होने के बाद एक जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो बताऊँ, क्योंकि फिर बाद में ये ना हो कि आपने तो पूरा लगाया ही नहीं, या फिर ऐसे कि पूरा लगाना चाहिए, तो बहुत सारे होते हैं ना लोग कि आपने तो आधा ही लगाया तो पूरा लगाने के बाद मालूम पड़ता, पूरा लगाने के बाद आपके बाल जो हैं कैसे हैं वो मालूम पड़ता, तो आपने पूरा क्यों नहीं लगाया, आपने आधा ही लगाया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ हो, इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊँगा और पूरा ख़त्म होने के बाद जो कि फाइनल रिजल्ट होगा। इस तेल का मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ ये लगा कि मेरे जो बाल थे वो काफ़ी पतले थे, पहले काफ़ी पतले थे और काफ़ी थिन था, तो थोड़े से उसमें मतलब कि सुधार आया है कि थोड़े मेरे जो बाल हैं हल्के मोटे लग रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि बाल जो हैं पहले वो काफ़ी पतले थे, तो अभी जो है बाल थोड़े से मोटे जैसे लग रहे हैं हमको। सो ये मैं बोल सकता हूँ, बट ऑल ओवर 10-15% काम किया है और मैं यही बोल सकता हूँ। सो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो तेल है हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, अपना अपना अलग अलग अनुभव हो सकता है, क्योंकि सारे लोगों का जो हार्मोन्स है जो बाल हैं एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग हार्मोन, सबका अलग अलग बाल होते हैं, सबके अलग अलग बॉडी होती है, तो हर किसी का जो बॉडी है वो एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का जो हार्मोन्स है वो एक जैसा नहीं होता है। सो इस हिसाब से किसके ऊपर कैसा काम किया है वो अलग मैटर हो सकता है, बट मेरे ऊपर जो है कितना काम किया है और इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको बालों की समस्या है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको बहुत जल्द इसका फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।